हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आई होप यू आर वेल। आपको एक बहुत ही बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से मज़ीद 1000 एम्बुलेंसेज इंडिया पहुँचा दी गई हैं। इंडिया के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की तरफ से 1000 एम्बुलेंसेज इंडिया पहुँच गई हैं और एम्बुलेंसेज ने वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ जाकर मरीज़ों को, जितने भी मरीज़ हैं वहाँ जाकर, इंडिया जाकर पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन एम्बुलेंसेज ने अपना काम जारी कर दिया है, अपना काम शुरू कर दिया है। वहाँ जितने भी मरीज़ हैं कोरोना वायरस से में मुब्तला, उनको एम्बुलेंसेज में डालकर अस्पताल लाया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं, एम्बुलेंसेज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और बहुत ही, इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है इसलिए एम्बुलेंसेज भी काम उतना ही कर रही हैं। इस बात का खैर मकदम किया है इंडिया के लोगों ने आकर, और इंडिया का लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। इंडिया के लोग के पाकिस्तान ने एक मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। इंडिया के लोग बॉर्डर पर आकर उन्होंने वेलकम किया है एम्बुलेंसेज को और साथ में खुशी का इजहार किया है। इंडिया अब तसल्ली में आ गया है। इंडिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही इमदाद की और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, हम इसके शुक्रगुजार हैं, और ऑक्सीजन की जो कमी थी वो भी पूरी कर दी पाकिस्तान ने, और मोदी सरकार ने भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया है इमरान खान का कि इमरान खान बहुत बड़े और अच्छे इंसान हैं और उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। अल्लाह हाफिज़।